बड़े नौकर साहब को, छोटे मोटे जी के कहने से सभी की नहीं खबर, बड़े नौकर साहब का स्टेटमेंट आया कि गांवों में जो बिजली जाती है वो अभी 1 से 2 रुपए यूनिट उनके दाम बढ़ा दिए जाएंगे। अब वो हाहाकार मच गया, पूरे प्रदेश में गाली शुरू हो गई, क्योंकि तो ग्रामीण इलाकों में वैसे सस्ती होती है कि योगी ने चुनाव खत्म होते ही बढ़ा दिए। और जब पूरी गाली चल गई तो दूसरे दिन फिर आके ऊर्जा मंत्री महोदय जो है उन्होंने उसकी सफाई दी कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, ना कोई हम दाम बढ़ाने जा रहे हैं। तो मनीष जी, ये पहले खबर छप गई जिसे अभी वो हम लोगों ने मिड डे के दिखाई कि वो तो उसने तो झूठ छापी थी, लेकिन जागरण को तो जो अधिकारियों ने बताया, जागरण ने छापी, दूसरे दिन आके ऊर्जा मंत्री उसको खंडन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले डैमेज तो हो गया। तो आखिर वो खबर जो अधिकारियों के हवाले से छपी है, किस अधिकारी ने किसके कहने से क्यों छपवाई थी वो खबर, ये जांच कौन करेगा? और इस तरह से अगर योगी आदित्यनाथ का डंडा नहीं चलेगा तो वो अपना वो वन मैन आर्मी की तरह लड़ते रहेंगे और उनके नीचे से जमीन घसीटने की पूरी तैयारी यही नौकरशाही कर रही है। इसका उदाहरण हमारी जी दोनों खबरें दिखा दीजिए ताकि दर्शक देख लें कि क्या क्या कैसा नंगा नाच चल रहा है मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ। तो ये सब उनकी जो उपलब्धियां जो अपने दम पे वो करते हैं उसका कोई मायने नहीं रह जाता कि किस तरह से खेल उनके साथ नौकरशाह खेल रहे हैं। ये अभी लगाया क्या आपने खबर? हाँ, लगा हुआ लगी हुई है मनीष जी। चलिए अब मोदी योगी के खिलाफ जहरीला झूठ, हाँ, ये और ये लगातार अब तो देखा जा रहा है कि लठ बरसना शुरू हो चुका हुआ है इन सब के ऊपर। भाजपा मोदी योगी के खिलाफ जहरीला झूठ फैलाने वाले टूलकिट्स यूपी की नौकरशाही बन गई है। इसका उदाहरण कल के जागरण अखबार में है। अब ये दो कटिंग आपने लगाई है, गांव से में नगरों की तरह बिजली तो शहरी दर पर देना होगा बिल। हाँ, ये पहले से ये कल ये खबर कल छपी मनीष जी, फिर आके जी जब वो यानी परसों फीड किया गया, ये खबर छपवाई गई अखबार में, जब हाहाकार मचा तो आके जो ऊर्जा मंत्री महोदय हैं उन्होंने आके वो जरा वो देखिए क्या कह रहे हैं कि प्रदेश में बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं। ये शर्मा है, अरविंद शर्मा जो यहाँ के ऊर्जा मंत्री हैं, तो शर्मा जी को ये नहीं बताना चाहिए कि प्रस्ताव है या नहीं। शर्मा जी को जरा ये पता लगाएं कि वो कौन अफसर है जिन्होंने ये खबर छपवा दी अपने अपने हवाले से, और जागरण जैसे अखबार में, तो जो नाश पढ़ना था वो तो सरकार का नाश पढ़ दिया गया। तो ये खेल इस तरह से खेला जाता है, ये टूल किट। तो जो मैं अक्सर कहता हूँ, आज ये उदाहरण मिड डे अखबार और उसके बाद ये खबर यहाँ बिजली विभाग के नौकरशाहों की। और मनीष जी, 2 दिन पहले एक और खबर थी कि पुलिस विभाग की तरफ से छपा कि अब जो है पुलिस विभाग में भी संविदा में सिपाही भी रखे जाएंगे, दूसरे दिन आके पुलिस डीजीपी को खंडन करना पड़ा। तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह की खबरें छपवा कर सरकार के खिलाफ जहर बो रहे हैं? बिल्कुल, ये बड़ा षड्यंत्र है। और कहते ना कि खबर और खंडन से कुछ नहीं होता है, खबर छप गई मतलब टूलकिट्स ने उसको अंजाम देना शुरू कर दिया, शुरू कर तो दिया। समझ में आता है कि आपके साथ आपके दुश्मन आपका बन करके कैसे खड़े रहते हैं। इस चीज को समझना जरूरी है। अब जिन्होंने खबर छपवाई है उन नौकरशाहों पे, और बनी थी नौकरशाहों का स्थिति एक और बता दूं, कोई बात चली है दर्शक गौर कर रहे होंगे, बीच में हम लोग का बड़ा इंटरनेट डिस्टर्ब होता था क्योंकि लाइट बहुत जा रही है, और आप देखते होंगे मैं बार बार एसी चल रहा है और पंखा चल रहा है लेकिन लाइट चली जाती है, रुमाल से पोंछा करता हूँ पसीना अपना। और ये स्थिति, ये जो ऊर्जा मंत्री महोदय बैठे हैं, ये भी पूरी तरह कैसे कठपुतली बन गए अधिकारियों की कि 2022 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते थे तो सबसे बड़ा मुद्दा यही था मनीष जी कि बिजली सुधार दी है और पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली पहुंचा दी है। लोगों को याद होगा मैंने कहा था कि 50% घरों में तो कनेक्शन ही नहीं था, वहां कनेक्शन पहुंचाया और 24 घंटे बिजली आती थी। और 2022 में जब इनको बैठाला गया, अरविंद शर्मा जी को, ये दिल्ली से आए थे कि पीएमओ से आए, बड़े काबिल हैं, बिल्कुल तीर मार देंगे, कुछ लोग तो इनको मुख्यमंत्री बताने लगे थे कि योगी को हटा के इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। मुझे भी बड़ी उम्मीद थी कि बड़ा पढ़ा लिखा कड़ा आदमी आया है तो कुछ तीर मारेगा। ये इन्होंने ऐसा तीर मारा है कि 2022 में आए और 24 में ये उत्तर प्रदेश की बिजली को वहीं ले जाके खड़ा कर दिया इन्होंने जहां 2017 में अखिलेश यादव छोड़ के गए थे। तो 2 साल में ये कौन सा ताना बाना बुन रहे हैं, कौन सी कलाकारी कर रहे हैं, ये भगवान ही देखिए, जानता आपके है। और उनको आप
आपके बोलते बोलते फिर यहाँ नोएडा में बिजली चली गई और हमारी हाँ सोसाइटी हाँ चली, यहाँ तो कैसे जनरेटर रहता है तो आपको पता नहीं चलता कुछ देर में लेकिन आप एयर कंडीशन और इन सब चीजों का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। और आप बहुत महत्वपूर्ण बात, मुझे एक मित्र जो है नोएडा से भी गोपालगंज गए हैं, जो मतलब बिहार के बॉर्डर पे हैं, उनका रिश्ता जो है बस्ती में है सर, और उनके रिलेटिव्स कहते हैं कि बस्ती और बगल में जो ये गोपालगंज इस इलाके में, यूं समझ लीजिए कि यूपी की स्थिति बदहाल है, बिहार में बिजली उससे ज्यादा अच्छी है, ऐसा वो मुझे कल फोन पे बता रहे थे। तो ये जो पीएमओ से आए थे शर्मा जी, इन्होंने ऐसा जादू दिखाया कि 2 साल में इन्होंने ले जाके वहीं खड़ा कर दिया जहां से 2017 में अखिलेश यादव छोड़ के गए थे। और ये इस दावे के साथ आए थे कि इनको योगी की जगह ये मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। इनके कुछ एक खैराती यहाँ पे लगे थे, बड़े सुनियोजित तरीके से ढोल पीट रहे थे। तो शर्मा जी तो कठपुतली बन गए इन नौकरशाहों की, जो जिस तरह से खबरें छपवा रहे हैं कि बिजली दाम बढ़ा दिए जाएंगे। और दर्शक मनीष जी, केवल एक बात और समझ ले कि मैं लखनऊ राजधानी में बिजली की हालत बता रहा हूँ, और राजधानी का भी ये वो इलाका है जो बिजली के मामले में जरा वीवीआईपी स्टेटस इसका है, और वहाँ हम मैं इतना परेशान हूँ। तो जरा सोचिए शेष उत्तर प्रदेश में कैसी आग लगी होगी बिजली के बारे में, बिजली की सप्लाई के लेके। तो जो सबसे बड़ी ताकत योगी आदित्यनाथ की थी उसको इन्होंने शून्य कर दिया है। तो अरविंद शर्मा जी को बड़ी बड़ी बधाई कि उन्होंने फिर से वही पुराना लेजा खड़ा कर दिया, अखिलेश यादव से हाथ मिलवा दिया उत्तर प्रदेश का। तो इनको मुख्यमंत्री ने, इनको डबल मुख्यमंत्री अगर कोई कुर्सी होती हो तो वो इनको दे दी जाए। बड़े काबिल हैं इन्होंने, कितना क्या इन्होंने सीखा, कड़ा पड़ा वो अब उत्तर प्रदेश की जनता भोग रही है। और इनके इनके नाम से जरा नगाड़ा और बजना चाहिए। बिल्कुल, जिस यूपी की पहचान बन चुकी थी कि दिल्ली से बेहतर बिजली है 2022 नहीं, तक, उस 2022 का, 2022 का मनीष जी चुनाव याद करिए, योगी आदित्यनाथ हो और चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, बड़े छाती ठोक के पूछते थे बिजली आती है, तो लोग कहते थे हाँ आती है बिजली, अब नहीं जाती है। लेकिन अब की लोकसभा चुनाव में किसी ने नहीं पूछा। आप रैली उठाकर देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, चाहे वो मोदी की हो और चाहे योगी की, क्योंकि योगी बाबा जान रहे थे जमीन पे तो कैसा घोड़ा है, ये शर्मा जी ने सब नाश कर दिया ये बिजली हमारी, और फिर वहीं जाके। जब तुलना आपकी बिहार से होने लगे तो समझ जाइए कि बिहार से भी बदतर यदि स्थिति कर दी है तो कल्पना समझ लीजिए कि ये जो काबिल बिजली मंत्री आए हैं। और मनीष जी मैं बताऊं कि वो भगवान जाने उनके दिमाग में क्या खूबी चल रही है कि एक जो प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है सौर ऊर्जा का, आज सवेरे मेरे पास एक पीड़ित, और बिल्कुल समझिए घर की तरह है, पुत्र की तरह है, वो मेरे पुत्र का दोस्त है, कि वो उसने बताया, और वो मनीष जी वीडियो वीडियो सब रखे है कि जो आप सौर ऊर्जा वाला कनेक्शन लेते हैं उस कनेक्शन के लिए 10,000 रुपए आपको अलग से देने हैं, उसके बिना हो ही नहीं सकता। और नए कनेक्शन के लिए एक एक 1.5 लाख रुपए कैसे चल रहा है ये उस वो सब रखे हुए वीडियो और रिकॉर्डिंग। तो ये नंगा नाच बिजली में शुरू हो गया, जो राहत मिली थी उत्तर प्रदेश को, सब बहुत बड़ी राहत मिली थी। योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा एसेट था वो सफलता, उस सफलता को शर्मा जी चाट के खा गए। शर्मा जी सब चाट पहुंच के बराबर कर दिया उन्होंने, और ले जाके उत्तर प्रदेश को बिजली के मामले में वहीं खड़ा कर दिया जहां 2017 में हम खड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने क्या सीखा है और वो सीखा आपने क्या कला यहाँ दिखाई है, भगवान ही आपको धन्यवाद देगा। और जरा मनीष जी, एक इनसे पहले जो ऊर्जा मंत्री थे उनके खिलाफ बड़ी खबरें उड़ाई गई, सब हुआ कि ऐसा है वैसा है, उस आदमी को मंत्री पद से भी निकाल दिया गया, और वो आज की तारीख में गुमनामी के घेरे में है। वो अच्छे थे या बुरे थे मैं ज्यादा नहीं श्रीकांत जानता, शर्मा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि श्रीकांत शर्मा के 5 साल के ऊर्जा मंत्री के कार्यकाल के बाद उत्तर प्रदेश में राम राज्य था बिजली के मामले में, इसमें कोई शक नहीं है। और आज की तारीख में वो राम राज्य रावण राज्य में बदल चुका है। उत्तर प्रदेश में आदमी बिल्कुल, बिजली श्रीकांत के शर्मा को तो व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, बहुत मेहनती और ऊर्जावान थे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, और दिल्ली में तो बड़ा मतलब प्रभाव था, किस प्रभाव से कैसे गुमनामी में श्रीकांत शर्मा को डाल दिया गया, एकाएक ये वो एकदम अरे से बड़े समझ बड़े से पड़े हैं। बड़े कहानी किस्से उड़े हैं, वो सच है झूठ है भगवान जानते, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन इतना तो डंके की चोट पर है कि 5 साल के उस आदमी के ऊर्जा मंत्री के रूप में कार्य के बाद उत्तर प्रदेश में, मैंने कहा ना कि बिजली का राम राज्य था, जो आज फिर से वो रावण राज्य में बदल चुका है। और इसका पूरा श्रेय शर्मा जी के अलावा मैं क्या किसी और को दे दूं क्या, कि मनीष ठाकुर को दे दूं, तो इनकी वजह से हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा ऐसा गुमनामी श्रीकांत, जबकि मुझे याद है कई बार जब बिजली मंत्री बनने के बाद भी श्रीकांत शर्मा से मुलाकात हुई, चूंकि दिल्ली में जब वो थे तो बेहतर रिलेशन थे, चूंकि दिल्ली में प्रेस की का जो बहुत कुछ हैंडल वही करते थे, और निश्चित रूप से श्रीकांत कुछ भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगा करके
एक घेरे में लिया गया, कहते ना कि मारने के लिए, क्योंकि ये शर्मा जी को लाया जाना था इसीलिए बलि ले ली गई और उसकी कीमत आज उत्तर प्रदेश चुका रहा है। एक मनीष जी, सुपर आप कैट मनीष के, जी मनीष जी आप खुद बताइए कि 2022 17 से 22 आपके बिजली जाना एक सपना था, सपना था, नोएडा में बिल्कुल कि बिल्कुल। बिजली गई सपना, कभी कभार 2-4 मिनट के लिए चली गई चली गई, नेता और आज की तारीख में। इसीलिए मैं दर्शकों का सबसे बड़ा उदाहरण आप देखते हो कि मैं लगातार पूछा करता हूँ कि 1 घंटे में कम से कम 3 बार बिजली जाती है।